Assalamualaikum. Run. What? Show me the best bike stunt. आहा बहुत चंगा ना मैं आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है मेरे गुफ्तार की देरी न रविश जिंदा है मुझे क्यों तोड़ा चीज बढ़िया है एकदम रापचिक चीज है लेकिन इसमें खर्चा इतना है ना कि असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं देखो अब मैं क्या करता हूँ वादे करते हैं हजारों दावे करते हैं करोड़ों कैसी है बात ये है अजब कर लो हकीकी मोहब्बत कर लो तुमने कहा मेरी जान बात फिर बन जाए ये आसान कर लो फिर ये सब हो जाए ये बताओ कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप 92 में कब जीता था किस ईयर में जीता था 2006 नहीं पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप किस ईयर में जीता था क्या मैं अपने इंटेलिजेंट दोस्त से पूछ नहीं नहीं शायस्ता 92 जज्बा तो कमाल है यार कमाल है पाकिस्तान 2009 का वर्ल्ड कप कब जीता था T20 का 1992 अपने साथ मत जोड़िए हमको अलग है एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूँ नहा धो के जाओ दांत तेजाब से साफ करो लड़की वाले दांत देख रहे होते हैं और ड्रेसिंग देख रहे होते हैं बड़ी तमीज से वहां जाके बैठो बेटा चाय पियोगे जी अंकल चाय पियूंगा काइंडली मैं चीनी कम पीता हूँ ये भी नहीं बोलो कि चीनी नहीं पीता ये भी नहीं बोलो कि मैं खुद डालूंगा तो 3-4 चमचे भर भर के मैं थोड़ी कम पीता हूँ तो वहां जाके बड़े स्टाइल से आप जाके बैठ जाए उसके बाद जब बिस्किट चाय के साथ बिस्किट आए हैं तो बिस्किट आपने 1-2 से ज्यादा खाने नहीं है देखो मुझसे पैसे ले लेना मैं आपको बिस्कुट के पूरा डब्बा दे दूंगा बाद में खा लेना पेट भर के थोड़ा सा सबर कर लो ठीक है आपने क्या करना है कि वहां अपनी गुर्बत जाहिर नहीं करनी है तो वहां गए आपने जाके बिस्किट को ऐसे 2-3 बिस्किट आपने आधे आधे ये नहीं ये पूरा बिस्कुट मुंह में डाल लिया ये सब चीजें ना ये असर करती हैं भाई तो आधा बिस्किट तोड़ा आधा प्लेट में रख दिया कि जैसे बहुत हो गया आपके लिए तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई तुमको कोई थैंक यू नहीं बोलता मेरे को तुमको थैंक यू बोलने का मकसद है थैंक यू मकसद है बोलो इंग्लिश एक्सेंट में बोलो नाउ यू माइट वांट टू डू एन अमेरिकन एक्सेंट बिकॉज़ यू आर इन अ प्ले और अ फिल्म और मेबी यू वांट टू इंप्रेस योर फ्रेंड्स अरे कहना क्या चाहते हो एनीबॉडी एल्स देखो अब मैं क्या करती हूं देखो एल्स शेयर द न्यू यू नो आई गेट टू सी वन ऑफ दोस कैटेगरी दैट यू नो मेजॉरिटी फॉर यंग जनरेशन एंड देयर गर्ल्स एंड बॉयज बोथ ऑफ देम वे कैन बट इट्स अ बिट लाइक द क्वेश्चन इज इन हेड एंड हैज फ्रॉम एवरी सिंगल वन सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू एवरी सिंगल वन ऑफ यू दैट ट्राई टू वेक अप एवरीवन देन हु आर बिजनेसमैन हु आर मींस कमर्शियल मर्चेंट यू विल बिकम द सिक्स्थ वन इफ यू बी विद दोस पर्सन हु आर फाइव फ्रेंड्स दैट दे आर फोर दिस इज कहाँ से आता है अभी कनेक्शन भी कोई नहीं है इसमें
तो पानी आता कहाँ से? पानी खत्म नहीं होता। कैसे? वो जब खत्म होने लगता है फिर इसको भर। बदल इस्लाम गरीबन व सयूद गरीबन का माबदा। एक दौर आएगा आपने कहा कि अनुकूल हो जाएगा कि अजनबी हो जाएगा कि जिसमें तुम्हें डॉलमेन मॉल में जाना तो कम्प्लीटली कंफर्टेबल लगेगा मगर मस्जिद जाना तुम अनकंफर्टेबल फील करोगे कि मेरे दोस्त ना देख लें। जिसमें कॉन्सर्ट में तुम कंफर्टेबल फील करोगे लेकिन मौलवियों के साथ बैठना तुम अनकंफर्टेबल फील करोगे। तुम लेडी गागा या हैना मोंटाना की तरह अगर ड्रेस अप करोगी तो तुम कंफर्टेबल फील करोगी लेकिन हज़रत आयशा जैसी या खदीजा जैसी ड्रेसिंग करोगी तो तुम अनकंफर्टेबल लगोगी। तो आपने इस दौरे लिखा था फतूबा लुहराबा। हमें ना ये बैरियर्स ब्रेक करने हैं।